वेलकम टू सातकैन एजुकेशन सर्विसेज। अस्सलाम वालेकुम। आई होप योर स्टूडेंट्स यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आई एम योर साइंस टीचर मिस शाहिदा मंजूर। टुडे आई कंटिन्यू चैप्टर टू हेल्थ एंड सेफ्टी फ्रॉम बुक न्यू ऑक्सफर्ड प्राइमरी साइंस एंड देयर इज लेक्चर नंबर 26। चैप्टर टू हेल्थ एंड सेफ्टी। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट हेल्थ एंड व्हाट द best safety way of our life and what the balanced diet we get eat in right amount and what the best habits for our health. Student, there is content of this chapter. In chapter health and safety we were studied about our body, healthy habits. In healthy habits, we study about healthy food, exercise, balanced diet, and sleep and rest. That's all healthy habits are very important for spending our healthy life. Staying safe. Staying safe means कि हम किस तरह के safety rules को follow करें और अपने आप को safe करें। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था at home कि घर पे हम लोग अपने आप को कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हुए सेफ कर सकते हैं, जिनमें हमने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के बारे में पढ़ा था, फायरवर्क के बारे में पढ़ा था कि जब फायरवर्क हो रहा हो तो हमें एक डिस्टेंस पे खड़े होकर उस फायरवर्क को एंजॉय करना है। इसके बाद हमने पढ़ा एट स्कूल कि स्कूल में किस तरह के सेफ्टी रूल्स को आप फॉलो करेंगे जिससे आप अपने आप को और दूसरों को सेफ करेंगे और बहुत अच्छे से एजुकेशन हासिल करेंगे। नाउ कम टू थर्ड वन, ऑन द स्ट्रीट। थर्ड वन हमने पढ़ा कि किस तरह के सेफ्टी रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए जब हम रोड पे जा रहे हो, स्ट्रीट पे जा रहे हो या बाय वॉक पैदल जा रहे हो किसी जगह, तो हमें जो है वो रोड की सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है। इन द प्लेग्राउंड, सेकंड लास्ट जो सेफ्टी रूल पढ़े थे हमने प्लेग्राउंड के पढ़े थे कि प्लेग्राउंड में कौन से सेफ्टी रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हम अपने आप को और दूसरों को सेव कर सकें। नाउ कम टू थर्ड वन, फर्स्ट एड। फर्स्ट एड मीन कि अगर किसी को चोट लग जाती है तो हमें अपने अडल्ट्स को कॉल करना है और फर्स्ट एड रूल्स को फॉलो करना है। आई होप डियर स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड अबाउट चैप्टर टू हेल्थ एंड सेफ्टी। नाउ आई एम गिविंग यू कॉपी वर्क, सो इट्स टाइम टू होम टास्क। स्टूडेंट, डियर इज समरी ऑफ चैप्टर टू हेल्थ एंड सेफ्टी। बिफोर राइटिंग समरी यू मेंटेन द इंडेक्स ऑफ द साइंस कॉपी ऑफ चैप्टर टू, देन कम टू न्यू पेज, मेक अ टाइटल पेज ऑफ चैप्टर हेल्थ एंड सेफ्टी एंड ऑल्सो पेस्ट पिक्चर्स रिलेटेड टू हेल्थ एंड सेफ्टी। आफ्टर डैट राइट ऑन द हेडिंग ऑफ समरी विद ब्लू कलर ऑन हेडिंग लाइन। नाउ राइट द समरी ऑफ द चैप्टर, क्वेश्चन आंसर 1-5, कॉन्सेप्ट चेक बुक पेज नंबर 16 and 17, यू शुड डू इन योर बुक। And now come to exercise. You have 3 exercise in your book. You have to do this exercise in your book. Now come to exercise number 1, book page number 18. Exercise number 3, book page number 19. Exercise number 4, book page number 19. And in the last, you have to write diagrams. After writing summary, you have to write the heading of question answer on next page with blue color on heading line. Question number 1. What makes a balanced diet? The answer is, a balanced diet is eating a wide variety of foods in the right amount and maintain a healthy body weight. Now come to question number 2. You have to write with blue color questions. Question number 2. Write 5 healthy and unhealthy foods. First of all, in answer you have to draw 2 column. In first column you write the heading of healthy foods and the another second column you write the heading of unhealthy food. Now come to healthy food. The first one is a fish, second fruit, third chicken, 4 milk and fifth one porridge. Now come to unhealthy food. First one donut, second french fries, third burger, fourth one pizza and fifth are a cold drink. Question number 3. Which types of food are healthy? The answer is, green fruits and vegetables are very good for the body. Fats should be consumed in smaller quantities.
बट आर पार्ट ऑफ अ हेल्दी डाइट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. व्हाई डू वी नीड टू एक्सरसाइज रेगुलरली? द आंसर इज एक्सरसाइज मेक्स द बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग. इट ऑल्सो लीड्स टू बेटर हेल्थ एंड इट मेक्स पीपल फील गुड. क्वेश्चन नंबर 5. राइट 4 हेल्दी हैबिट्स. द आंसर इज पॉइंट नंबर 1. अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज. सेकेंड 1. ट्रिम योर नेल्स वीकली. थर्ड 1. ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. एंड द लास्ट 1 इज अ टेक अ बाथ एवरी डे. आफ्टर क्वेश्चन आंसर यू राइट द हेडिंग ऑफ डायग्राम ऑन न्यू पेज. ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ. नाउ कम टू फर्स्ट डायग्राम, बैलेंस डाइट चार्ट. यू शुड ड्रॉ बैलेंस डाइट चार्ट फ्रॉम बुक पेज नंबर 13 ऑन इंटरलीफ पेज एंड राइट द क्वेश्चन ऑफ डायग्राम इन 4 लाइन पेज. डायग्राम नंबर 2. नेम एंड ड्रॉ 5 ट्रैफिक साइन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द ट्रैफिक साइन, देन यू हैव टू ड्रॉ द साइन सिंबल. नाउ कम टू फर्स्ट 1 इज अ नो पार्किंग. सो यू राइट द फर्स्ट ट्रैफिक साइन नो पार्किंग एंड ऑल्सो ड्रॉ द सिंबल ऑफ नो पार्किंग. नाउ कम टू सेकेंड 1 स्टॉप एंड ऑल्सो ड्रॉ द सिंबल ऑफ स्टॉप. नाउ कम टू थर्ड 1 नैरो ब्रिज, ऑल्सो ड्रॉ द साइन ऑफ नैरो ब्रिज. नाउ कम टू फोर्थ 1 ट्रैफिक लाइट्स, यू हैव टू ड्रॉ द ट्रैफिक लाइट्स एंड दिस ऑल सिंबल एंड साइन यू हैव टू ड्रॉ ऑन इंटरलीफ पेज. नाउ कम टू लास्ट 1 रोड वर्क अहेड, यू हैव टू ड्रॉ द साइन ऑफ रोड वर्क अहेड ऑन इंटरलीफ पेज एंड राइट द नेम ऑफ दैट ट्रैफिक साइन ऑन 4 लाइन पेज. I hope dear students you understand about chapter 2 health and safety topics and home tasks and copy work. Inshallah in next lecture we will start new chapter. Till then goodbye, take care, Allah Hafiz.